हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपने बेटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। बेटिंग वहां होती है जहां मामला हार और जीत का होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में। क्रिकेट में बेटिंग बहुत पॉपुलर थी, ठीक उसी तरह अब बेटिंग ने भी लिया है अगला कदम। वो पहुंच गए हैं बेटिंग को लेकर लोगों की बीमारियों और मौत के मामले में। यूरोप के ग्रुप ने इस फैलती हुई तेज़ी से फैलती हुई कोरोना वायरस की बीमारी को, इस वायरस को देखते हुए उन्हें उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। वो कहते हैं ना, एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलामिटी। तो कोरोना वायरस जैसे एपिडेमिक को लेकर, ऐसी बीमारी को लेकर कुछ लोगों को उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स ने लॉन्च की एक नई क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है कोरोना कॉइन। आपने क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, याद है ना? कुछ साल पहले बिटकॉइन कितना पॉपुलर हुआ था और उसकी डिमांड कितनी बड़ी थी। एक वक्त था जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था मार्केट में तो कुछ $1-2 में बहुत सारे कॉइन्स मिल जाया करते थे। वहाँ से लेकर बिटकॉइन की महंगाई का सफ़र तय करते हुए बिटकॉइन की कीमत $20,000 तक पहुँच गई थी और फिर उसके बाद वापस गिर के $10,000 पर आ गई थी। कोई लॉ तो है नहीं इंडिया में जो इस क्रिप्टो करेंसी को बैन करता है, लेकिन RBI ने ये गाइडलाइंस दिए थे बैंक्स को कि वो बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की मुद्रा जो है उसके खरीदने या बेचने में इस ट्रांजैक्शंस को एनेबल ना करें। RBI सेफ रहना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि लोग आकर फिर कंप्लेंट्स लेकर आएँ कि हमारा पैसा डूब गया है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी पर कोई मजबूत कानून नहीं है। खैर, वो रही बिटकॉइन की बात। अब बात करते हैं कोरोना कॉइन की। इन लोगों ने देखी एक अपॉर्चुनिटी और कुछ क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स ने कोरोना कॉइन लॉन्च किया है। ये coronatoken.org वेबसाइट पर इसे बेच रहे हैं, इस पर सारे डिटेल्स इन्होंने दिए हैं। कोरोना कॉइन क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताऊँगा। ये जो कोरोना कॉइन की माइनिंग हुई है, जो टोकन्स अवेलेबल हैं, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन पे आधारित है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.5 बिलियन से ज़्यादा है आज। तो इतना सप्लाई अवेलेबल किया है कोरोना कॉइन क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करने वालों ने, यानी 7.5 बिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज कोरोना कॉइन्स इस वक्त एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है। अब जैसे जैसे लोग इस बीमारी से प्रेरित होते जाएंगे, लोगों की मौत होगी, उतने कोरोना कॉइन्स बर्न कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। इस तरह से जो 7.5 बिलियन से अधिक मात्रा में जो इस क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई को अवेलेबल किया गया है वो कम होती जाएगी और पब्लिक में इसे ख़रीदने का, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का, इस क्रिप्टो करेंसी में डिमांड बढ़ता जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज 80,000 से ज़्यादा लोग प्रेरित हो चुके हैं इस बीमारी से। तो 80,000 से ज़्यादा, तकरीबन 90,000 तक की कोरोना कॉइन्स को जला दिया गया है। अब जो बाकी बचे हैं, जैसे जैसे लोग प्रेरित होते रहेंगे, जैसे जैसे लोगों की मौत होते रहेगी इस बीमारी से, हर 48 घंटे को (every 48 hours) ये वेबसाइट लेगा वो उतने फिगर्स और उतने क्रिप्टो करेंसीज, उतने कोरोना कॉइन्स को जला देगा। इस तरह से सप्लाई कम होगी और इसमें इन्वेस्ट करने की डिमांड बढ़ेगी। अब देखते हैं कि आगे चलकर इसकी डिमांड कैसी होती है। मैंने कोशिश की है उनको कांटेक्ट करके फेसबुक के थ्रू पता करने की कि ये डिमांड में है या नहीं, कैसा रहा रिस्पॉन्स इसका, इस क्रिप्टो करेंसी का, बीमारी और मौत को लेकर, जो एक थोड़ा सा इनसेंसिटिव भी हो जाता है ना मसला। यानी कि देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स में बैटिंग करते हैं तो ये ज़रा स्पॉर्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी की बीमारियों और मौत को लेकर बेटिंग करते हैं तो मामला थोड़ा सेंसिटिव ही है। लेकिन फिर भी इस सेंसिटिवनेस को थोड़ा नलीफाई करने के लिए, इस इफेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये लिखा है कि जो भी पैसा वो जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे इस मुद्रा से, यानी कि जब लोग इन्वेस्ट करेंगे और कोरोना कॉइन खरीदेंगे, तो इसका 20% वो देंगे इस एज अ सोशल कॉज, कोरोना वायरस के प्रेरित लोगों पर खर्च करेंगे पैसा। और एक बात भी मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में दुनिया में 1,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है बिटकॉइन के अलावा। तो इसमें एक और एक क्रिप्टो करेंसी कोरोना कॉइन का इजाफा हो गया है। देखते हैं ये मार्केट में कैसे परफॉर्म करती है। ये था आज के एपिसोड के लिए। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए गुड बाय।